नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केयरिंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो पार्ट टू है नीट 2023 कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की। जो पार्ट वन आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं और पहले उसको वॉच कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखें बिना स्किप किए पूरी डिटेल जानकारी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरेली में है, इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस ईयर इसकी कट ऑफ डिक्रीज होने का कारण है इसमें इंक्रीमेंट ऑफ 100 सीट्स, तो जो इसमें पहले 150 सीट्स थी अब इसमें 250 सीट्स हो गई हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ लो जाने के पूरे चांसेस हैं। यह जो कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह GS मेडिकल कॉलेज जो कि हापुड़ में है उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ है और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह GS मेडिकल कॉलेज की इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब आप जो कट ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हैं यह NCR मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में है उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ है और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि लखनऊ में है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। UP के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ ही कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उन्हें चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो यूपी में न्यू मेडिकल कॉलेज SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि मथुरा में ओपन हुआ है इस ईयर 2023 में, उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसे भी चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि शाहजहाँपुर में है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि अमरोहा में है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इस कॉलेज की लास्ट ईयर कट ऑफ है और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लास्ट ईयर की नारायणा मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर में है उसकी कट ऑफ है। सबसे लोएस्ट कट ऑफ लास्ट ईयर नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर की गई थी और इस ईयर भी एक्सपेक्ट ये कह जा रहा है कि इस ईयर भी इसकी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। अब आइए बात करते हैं SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि इस ईयर 2023 में ओपन हुआ है, इस कॉलेज में 150 सीट्स के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज का लास्ट ईयर का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इस ईयर ओपन हुआ है और इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अराउंड 300 मार्क्स मान सकते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 के अराउंड आ रहे हैं वो इस मेडिकल कॉलेज के लिए जा सकते हैं और इस मेडिकल कॉलेज की मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसे भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यूपी के और साथ ही कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल वीडियो ही मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसे भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अदर स्टेट्स जैसे उत्तराखंड उनके भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उत्तराखंड के उनकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इस चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कि कुछ बिहार और राजस्थान के भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ईयर भी कट ऑफ डिक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अराउंड 300 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और साथ ही एक न्यू मेडिकल कॉलेज भी ओपन हुआ है जिसमें 150 सीट्स हैं, तो कट ऑफ डिक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आना चाहते हैं, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको कम मार्क्स में अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फर्स्ट राउंड में ही कोशिश करें चॉइस फिलिंग करने की, क्योंकि फर्स्ट राउंड में यूपी के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सबसे कम कट ऑफ फर्स्ट राउंड में ही जाती है। तो अगर आपको एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम मार्क्स में लेना है तो आप फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग करें और बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग में फिल करें और चॉइस फिलिंग के सीक्वेंस को इस हिसाब से रखें कि सबसे ऊपर सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज हो, उसके बाद उससे कम प्रेफरेंस वाला, उससे बाद उसके कम, क्योंकि अगर आपने सबसे कम मार्क्स वाला सबसे ऊपर रख दिया तो आपको सबसे पहले वही मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद आपको उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, सिर्फ अपग्रेडेशन का ऑप्शन रह जाता है सेकेंड राउंड में लेकिन उसमें चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करें। और अगर अपग्रेडेशन में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका फिर 2 लाख का जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होता है काउंसलिंग के टाइम वो जब्त कर लिया जाएगा और फिर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं दिया जाएगा और आप फिर मॉपअप राउंड और आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, तो इसलिए सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करें और कोशिश यही करें कि फर्स्ट राउंड में बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज को फिल करें जिससे कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।